डॉक्टर पूनम लता। अच्छा, एक बच्ची अभी भर्ती हुई थी, लेकिन उसकी क्या स्थिति, कित क्या उम्र होगी और क्या स्थिति में भर्ती हुई है? वो बच्ची लगभग 7 साल की जी थी और उसको मतलब सस्पेक्टेड केस ऑफ रेप के कारण वो यहाँ पर उसको लाया गया था। उसके साथ उसकी मदर भी थी और एक कांस्टेबल थी सुषमा शर्मा। और उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको कपड़ा सील करके जिला अस्पताल गायनेकोलॉजिस्ट के लिए रेफर कर दिया गया, भेज दिया गया। आपको क्या पता लगा आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है? आज जब बच्ची तुम्हें बता रही मेरे को कोई भगा कर लेगा स्कूल में, तुम्हें को तो मचा मीन लूंगा मैं बता रही थी। कितने लोग थे? एक लड़का बता रही थी। फिर क्या पता चला क्या हुआ? बस ये बता रही बच्ची को तो एक लड़का था, उनको लेकर गया, उनको तीन खाना चाय मीन लूंगा। बच्ची जानती है उसे? ना जी। फिर कहाँ मिली आपको बच्ची, कैसे पता लगा? बच्ची जी मारा कोई मोहल्ले का गोले ठाण का तो वो ला सो किस हालत में मिली है? पता नहीं जी, मुझे तो पता नहीं किस हालत में मिली, नहीं पता मुझे लाए उसे बेचारी। घर पहुँचे क्या स्थिति थी उसकी? हमारे पड़ोसी गोले लेने गए तो मुझे गए था। जब घर गई आपके? हाँ जी। उस समय क्या स्थिति थी? हमारे मोहल्ले के एक लुगाई लाई था बस। आपने क्या देखा, उसकी हालत कैसी थी? बहुत बुरी हालत हो रही थी उसकी, कोई गलत नीयत से उठा के ले गया था? हाँ जी, यो भी सारे में घरों के लग रहे कलेज भी सारा बड़ा। अच्छा, क्या बता रही है बच्ची, कुछ गलत हुआ है उसके हाँ साथ? जी बता रही। देखिए, आज ये पुरकाजी में प्राथमिक पाठशाला नंबर 2 है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। आज मिड डे मील ना बनने के कारण सब बच्चे अपने घर चले गए थे और ये बताया गया है कि एक कोई व्यक्ति, एक जो बच्ची पढ़ने वाली थी, 6-7 साल की बच्ची है, उसे ये कह के कि मैं चाउमीन तुम्हें खिलाऊंगा और उसे लेकर और वहाँ से आ गया। बाद में ये बच्ची यहाँ पर, ये जो खेड़ा दरवाज़ा है इसके, उसमें दंपति जा रहे थे, उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी तो वो बच्ची उन्हें रोती हुई वहाँ मिली और उसके द्वारा फिर सूचित किया गया, तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया गया, पुलिस द्वारा इलाज कराया जा रहा। बच्ची बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है और बाकी सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ लगे हैं और बहुत जल्दी सीसीटीवी कैमरे हम लोग देखने जा रहे हैं और जो कोई भी होगा उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा और कार्रवाई की जाएगी।